A function f is said to be continuous, ठीक? A function f is said to be continuous if limit x tends to a f of x is equal to f of a, or we can see limit x tends to slightly less than a f of x is equal to limit x tends to slightly greater than a f of x is equal to f of a. ये continuity हूँ definition, बहुत आसान है, ठीक है? Main चीज़ situation limit evaluate करो. गुड हॉप तो ग्राफ के लिए कि फंक्शन काश कंटिन्यूअस आसन तो एक फंक्शन सुनिए विश कंटिन्यूअस सुनो बेटा अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x या y इज इक्वल टू 2x मेन का पूछो असल है वो हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू 2x और अस चेक करो इसका कंटिन्यूअस किना तो हम कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे यूजिंग लिमिट्स और हम का कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी यूजिंग ग्राफ्स क्लियर बोझ दो ये बस इक्वेशन अगर इस इक्वेशन की बात करो ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दिस इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स गॉट इट तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है इट्स द इक्वेशन ऑफ द लाइन इट इज द क्या बोलो समझ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है इट्स द इक्वेशन ऑफ द लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम ड्रा करेंगे लाइन को तो हमें कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए लाइन ड्रा करने खातिर कम से कम कस पॉइंट्स गसना सो पॉइंट यस सो हम पुट करेंगे एक्स इज एक्स एंड वाई एक्स इज इक्वल जीरो इफ वी पुट एक्स इज इक्वल जीरो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वाई जीरो इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू वन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वाई इट्स टू तो हमारे पास दो पेयर है एक है जीरो कामा जीरो ओरिजिन और दूसरा है वन कामा टू ठीक हम इसको ड्रा करेंगे लोकेट करेंगे जीरो कामा जीरो इज हियर एंड वन कामा टू इज हियर तो हम ज्वाइन करेंगे इन दो पॉइंट्स को एक लाइन ड्रा होगी यहां से दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स ठीक बोझ दो ये थी सही रिजल्ट y is equal to is a line. गुड करो इस ग्राफ्स में चेक कंटिन्यूअस गो क्या मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये है सपोज इन सब में ग्राफ को ना ड्रा युद्ध पर छुस वो कंटिन्यू पका यदश पॉइंट टू टू उस तम अच्छी कंटिन्यू पकान तो माइनस इंफिनिटी से लेकर कई पे माइनस इंफिनिटी इज हियर टू तक माइनस इंफिनिटी से लेकर टू तक द ग्राफ इज कंटिन्यू ठीक एम पर क्या दिल टू उस पे वाता एम पर पे पेन लिफ्ट कर अगर इस ग्राफ के लिए बात करो जब हमें पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी ग्राफ एक्स मतलब ठीक गुबर गो माइनस इनफिनिटी से लेकर टू तक द ग्राफ इज कंटिन्यू और जब हम टू पे पहुंचे अत पे वो पेन लिफ्ट करो पेन लिफ्ट पेन थोद तुल पेन थोद तुलान पी ग्राफ कंटिन्यू रोजान कत पे टू से लेकर प्लस इनफिनिटी तक तो क्या ये फंक्शन ओवरऑल इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ये अंडरस्टूड चीज है क्या है कहां पे डिसकंटिन्यूअस है टू पे गोवा के लिए बोझ दो दिन टू उस लेफ्ट साइड कुछ वैल्यू शासन टू माइनस एच वो लेफ्ट हैंड लिमिट टू उस राइट साइड कुछ पॉइंट शासन टू प्लस एच वो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अच्छा 2 माइनस एच उस यहां पर रेंज यहां तक है अप्रोक्सीमेटली 1 लगभग अच्छा एग्जैक्ट कहां है फंक्शन मैं आपको बस समझा रहा हूं जो 2 के लेफ्ट साइड में पॉइंट है 2 माइनस एच अगर हम इस पे रेंज चेक करते हैं रेंज होता है y का वैल्यू लिमिट का वैल्यू जो हम लिमिट इवैल्यूएट करते हैं वो वैल्यू उसी को रेंज बोलते हैं तो 2 के लेफ्ट साइड में 2 माइनस एच है यहां पर रेंज देखो लगभग ये 1 के बराबर है तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 1
इनर तो भी कहीं एग्जैक्ट का फंक्शन हमने रैंडमली एक मतलब ग्राफ चेक किया। अच्छा टू के राइट साइड में जो टू प्लस एच है ये किसको अप्रोच करेगा? थ्री फॉर एग्जाम्पल। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो व्हाट्स राइट हैंड लिमिट? टू प्लस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू थ्री। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है? तो अगर ये बराबर नहीं है दैट मीन्स ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? हम बोलते हैं द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। यू गॉट इट? बुझ तो गया आप? अगर इस यथस ने वो से फॉर एग्जाम्पल इट्स वन इट्स टू इट्स थ्री, अगर हम यहां पे टू की बात करेंगे एक यश टू यस टू उस निश्चित ग्राफ शा कंटिन्यूअस किन डिसकंटिन्यूअस एक रेंज टू उस पे रेंज फोर कोता श टू पे रेंज कितनी है? फोर है ना। टू टू आर फोर। आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि देखो शाम तो टू पे रेंज कितनी है? दिस इज द पॉइंट टू हियर एंड द रेंज एट टू इज फोर। ठीक टू उस लेफ्ट साइड कुछ पॉइंट टू माइनस एच टू उस राइट साइड कुछ पॉइंट बुझी क्या? इस लेफ्ट हैंड लिमिट कड़ा द राइट हैंड लिमिट। मेरी बात ध्यान से सुनना इत गए क्लियर असल पे। लिमिट एक्सटेंडस टू टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडस टू टू द फंक्शन इज टू एक्स। ठीक है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जिसका टेबल में हमने पढ़ा है। और जब हम एक्स का वैल्यू टू देते हैं व्हाट्स द वैल्यू? द वैल्यू द आउटपुट इज फोर। क्या ये टू है? No, sir. क्या ये फोर है? No, अब देखो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो है टू ये होता है लेफ्ट हैंड एज वेल एज मतलब इट्स टू माइनस एंड इट इज टू प्लस। क्लियर? टू माइनस एंड टू प्लस मतलब वो वैल्यू जो टू के लेफ्ट साइड में है और वो वैल्यू जो टू के राइट साइड में है और दोनों पे वैल्यू क्या आएगा? फोर। लेकिन ये एग्जैक्टली फोर नहीं होता है, ये बेसिकली होता है कॉमन वैल्यू। क्या होता है? ये फोर जो यहां पे आया ना इसको कॉमन वैल्यू बोलते हैं। ये फोर नहीं होता है। अब देखो कॉमन वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास एक वैल्यू है 3.9 दूसरा वैल्यू है 4.1 उनका कॉमन क्या है? 3.9 और 4.1 के बीच में कॉमन क्या है? सो लिमिट जो होता है ना ये बेसिकली कॉमन वैल्यू होता है अगर ये दोनों बराबर हो तो। यू गॉट इट? अब देखो 2 माइनस एच 2 के लेफ्ट साइड में है, देखो 2 पे रेंज कितनी है? 2 माइनस एच। देखो अगर हम अप्रोच करेंगे यहां क्या इसकी रेंज एग्जैक्टली 4 है कि 4 से कम है? ठीक। और 2 के राइट साइड में 2 प्लस एच है, अगर इसकी रेंज क्या चेक करेंगे क्या ये 4 है? It's not basically 4, it's greater than 4, slightly greater than 4. You got it? When the human don't have common value, push. 4. इन दो का common value यहाँ पे कितना है? 4. ठीक है गुरुमन? क्या ये function continuous है कि discontinuous है? देखो graphically check करो ये continuous है कि नहीं? Yes. Graphically check करोगे ये continuous, कहीं पे break नहीं होगी। Every polynomial is continuous function. प्रत्येक पॉलिनोमियल चाहे लीनियर एस्टन क्वाड्रेटिक एस्टन क्यूबिक एस्टन बाइक्वाड्रेटिक एस्टन, ठीक है, हर एक पॉलिनोमियल जो है इसको आप याद भी रखोगे एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी पॉइंट कुंत पॉइंट्स पर शुरू है। आप टू पे देखो टू पे फोर आ रहा है और टू के लेफ्ट साइड में अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो नजदीक है फोर के, टू के राइट साइड में अगर आप लिमिट निकालोगे टू प्लस एच पे तो वो भी फोर के नजदीक है। ठीक है समझ आवा? बेसिकली ना इस पे फोर आ रहा है ना इस पे फोर आ रहा है, बट जब हम लिमिट की बात करते हैं लिमिट होता है कॉमन पॉइंट। क्या होता है? कॉमन पॉइंट। और दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? 3.9 फॉर एग्जांपल एंड 4.1 उनका कॉमन है 4। यू गॉट इट? सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। तब ऐसे सुना 2 माइनस एच स्पेक्शन इज 4 गिवन वैल्यू
टू माइनस एच पे एग्जैक्टली फोर नहीं आ रहा है, टू प्लस एच पे एग्जैक्टली फोर नहीं आ रहा है, ये फोर से थोड़ा कम है, ये फोर से थोड़ा ज्यादा है, और हम फोर इसलिए लिखते हैं क्योंकि फोर है कॉमन वैल्यू ऑफ 3.999 and 4.0001. और आपको पता है जो फोर के लेफ्ट साइड में फोर माइनस एच है रेंज बराबर फोर क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है यहां पे, ठीक है गुरुमन? अच क्या चाहिए? इट्स कॉन्स्टेंट चाहे फोर माइनस एच एसन चाहे फोर प्लस एच एसन, यथ पेटनेर बराबर फोर उत पेटनेर बराबर फोर, और फोर पे भी मतलब जो यहां पर रेंज होगी सॉरी फोर फोर पे अगर रेंज थ्री है तो फोर माइनस एच पे भी रेंज थ्री है, फोर प्लस एच पे भी रेंज थ्री है, अगर कम ज्यादा आ सके तो बनाया रेंज थ्री. So, ये फंक्शन जो है अगर हम इस फंक्शन की बात करेंगे एट टू द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड ग्रेटर देन टू जितने सारे नंबर्स है उन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेस देन टू जितने सारे पॉइंट्स है उन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और टू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज टू के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वहां पे एक रेंज है और टू के राइट साइड में जो वैल्यू है वहां पे दूसरी है, उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. You got it? Yes, go back clear continuous function का चुना. अगर इस mathematically उसे algebra के लिए अगर तुम उसे मेरी तरफ देखा, अगर इस algebra के लिए उसे mathematically उसे इस वन की continuous function क्या गए? A function is continuous if limit x tends to a f of x is equal to f of a, और अगर हमें ज़रूरत पड़े left hand और right hand अलग अलग निकालने की then limit x tends to slightly less than a f of x. अगर यहाँ पे नॉट आया, यहाँ पे नॉट आया तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. और ग्राफिकली अगर हम चेक करेंगे, अगर हमें पेन लिफ्ट करने की किसी पॉइंट पे जरूरत पड़ी तो वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट. ठीक है, आवा समझ? अच्छा अब मैं बाकी चीज दैट अ पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कहां पे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल सिर्फ उसी लीनियर होता है जस्ट लाइक दिस y is equal to 2x, y is equal to 7x plus 5, y is equal to 9x minus 8, ये सारे लीनियर फंक्शंस है, y is equal to x square क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं. सो y is equal to मतलब लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक फिफ्थ रूट सिक्स्थ रूट nth रूट, तो हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उनके जो ग्राफ्स होते हैं ना वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, उनमें कभी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती. क्लियर? समझ आवा? तो कंटिन्यूटी समझ आ गए, डेफिनेशन समझ में आ गई, अब कुछ एग्जांपल्स पर ट्राई करते हैं कैसे आपको इनको इवैल्यूएट करना है. Say for example, one with the evaluate kit per kilo, kis function ko aap kaise evaluate karoge? If you have a function y is equal to action at y is at once use this and h f of x use this. So y or f of x same hi hote hai, dono ranges hoti hai, y bhi range hoti hai, f of x bhi range hoti hai, aur x kya hota hai? X hota hai domain, f of x hota hai range, y hota hai range, codomain kisko bolte hai? सारे जहां से रेंज आते हैं, रेंज कहां से आएंगे? रियल नंबर्स में से. रेंज का ही तो इन्यू, ठीक है बेटा. अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए सेट बी, इट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच. इफ वन इज रिलेटेड टू ए, टू इज रिलेटेड टू बी, थ्री इज रिलेटेड टू सी, फोर इज रिलेटेड टू एफ, ना फोर को जी से, इट्स गोना फोर जी 4G, 5H, 6F. डोमेन क्या क्या है? ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन रिलेशनशिप विद द सेकंड सेट. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. द डोमेन ए बी सी एफ जी एच रेंज, और सारे जितने सारे एलिमेंट्स उनको कोडोमेन बोलते हैं. कोडोमेन वो सेकंड सेट जहां से हम रेंज लाते हैं. तो रेंज हमेशा कहां से होती है? रियल नंबर्स में से. इट्स हमेशा आउटपुट का
आउट ऑफ थ्री अप्रूवल्स, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, अभी हम एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, हम आपको सिखाएंगे उनको आप कैसे इवैल्यूएट करोगे लिमिट को, और फिर आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये कंटिन्यूअस है या डिस्कंटीन्यूअस। और मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब ध्यान रहे कि हमें क्या करना होता है, ठीक। क्वेश्चन शिफ्ट शो दैट द फंक्शन, से फॉर एग्जाम्पल शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। Show that the function is continuous at x equal to 4। अच्छा आप मुझे इसके बगैर ही बताओ क्या ये function continuous होगी? होगी ना? क्यों होगी? Because a linear function है, linear is continuous everywhere in its domain, but its domains अंदर ऐसे प्राप्त कुंज है, मतलब ये कैसे निकला है? Break is a, ये line है, line बनेगी, इसमें कभी भी कोई jump, कोई break नहीं आएगी। ये अक्सर jump पे करूँ from one point to another point, वो discontinuous, ठीक? ये अक्सर break पे मंस थाउन That is discontinuous. So this is linear function. This is continuous everywhere in its domain. अब हमें check करना है कि क्या 4 पे भी ये continuous है? अब देखो ऐसी function को आप कैसे check करो? Listen. ये single function है. इस function के दो हिस्से नहीं हो गए. जैसे कल हमने function पढ़ी है. At x is equal to 4, आपपेट करो इस limit. क्या करो? आपपेट करो limit. 4 आपपेट. तो हम लिखेंगे limit. लिमिट को कैसे लिखते हो? एल आई एम या एल टी से? ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ ऑफ एक्स, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस लिमिट को इवैल्यूएट करना सीखना है। अच्छा कौन है तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ ऑफ एक्स, आगे क्या लिखे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, व्हाट्स द फंक्शन? 3x प्लस 1। बोलो बेटा एक्स का वैल्यू क्या दे दोगे आप? 4। It's 3 into 4 plus 1, it's 13. तो फिलहाल हमारा जो लिमिट है वो 13 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड भी 13 को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड भी 13 को अप्रोच कर रहा है, वो दोनों 13 नहीं है बल्कि 13 का कॉमन वैल्यू है। क्या हमें समझ आ रहा है? बेसिकली हमें निकालना था लेफ्ट हैंड अलग, राइट हैंड अलग, लेकिन ये फंक्शन सिंगल है, सिंगल फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अलग अलग नहीं निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो ये ना 13 है ना ये 4 है, ये वो दो वैल्यूज है जो 4 को अप्रोच कर रहे हैं, और ये 13 ये वो दो वैल्यूज है जिनका कॉमन पॉइंट 13 है, मतलब एक 13 से कम है, एक 13 से ज्यादा, और कॉमन उनका क्या है? 13। और हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ 4। एक हमने लिमिट निकाला, उसका पॉइंट आसन उसे क्या इसका पॉइंट बी 1 बाय एक्स। अगर से फॉर एग्जांपल एच 2 या 4 शेयर दिस फोरस पे जो रेंज में सुबह आ यूज फोरस लेफ्ट साइड से सिर्फ एम निश कम आसा यूज फोरस राइट साइड सिर्फ एम निश कम एम निश ज्यादा आसा वो इस कुछ पॉइंट्स पे बेसिकली कट गए थ्री, ठीक है। ये 4 पे एग्जैक्टली 4 पे और ये 4 माइनस एच पे और ये 4 प्लस एच। अब हम इस सिंगल फंक्शन में क्या करते हैं? ये दोनों एक साथ निकालते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक। जो वहां से आउटपुट आता है वो कॉमन वैल्यू होता है, वो उनके वैल्यूज नहीं होते क्योंकि वो 13 से थोड़े कम होते हैं, एक 13 से ज्यादा होता है। यू गॉट इट? बस कुछ पॉइंट्स पे कर दे जिप इट इज एक ऐसा व्हिच इज अप ऑन एफ ऑफ 4 यू गो एग्जैक्ट वैल्यू 4 इज पर यू गो टू 4 माइनस एच 4 प्लस एच एफ ऑफ 4 इज 3 इनटू 4 प्लस 1 दैट इज 13। सो देयरफॉर एक तो लिमिट एग्जिस्ट होता है और साथ साथ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे? एट 4 पे। आपने मेंशन करना है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। यू गॉट इट? यस सर। असल में तो अगर आपके पास कभी भी कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन, देखो हमारे पास फंक्शंस कितनी टाइप्स की होती है, आइलेट पता है? सुना है आइलेट? बिकॉज ऑफ डोमिनेंट लेट ना आई लेट। आई क्या होता है? इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। एल इज लॉगरिथमिक फंक्शन, उसकी हम बात करेंगे।
अलजेब्रिक में सारा कुछ आता है, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ऐसी फंक्शन, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इरेशनल फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, इरेशनल फंक्शन है बट अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक। और फिर क्या बचा, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन x, कॉस x, टेन x वगैरह वगैरह, और ये क्या होता है, यही सारी फंक्शन होती है। फिर इनमें टाइप्स आप कुछ अलग टाइप्स होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन जो आप इस साल अभी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो डिफरेंट फंक्शंस है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किनकी, अलजेब्रिक में मॉडुलस आता है, अलजेब्रिक में सिग्नम फंक्शन आती है, पढ़ा है सिग्नम फंक्शन, 11th में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है, फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो हमने तो सिग्नम फंक्शन को पढ़ा है, क्या होती है सिग्नम फंक्शन, अगर अस योर द वैल्यू 2 सोच और बराबर अस 2 से बराबर, अगर अस वैल्यू इन अस 1.5 और इट नो, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट फंक्शन इज नोन एज ग्रेटेस्ट, उस फंक्शन को हम बोलते हैं y इज इक्वल टू दिस, होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, गॉट इट। सिग्नम फंक्शन ऐसे होती है f(x) इज इक्वल टू -1 0 1, -1 0 1, when x is less than 0, when x is equal to 0, when x is greater than 0, बताएंगे बात कोई बात नहीं। So this function is known as signum function। ठीक शक्ति में उन repeat करने से जरूरत की यह विचार मुश्किल हमेशा time मार की। तो जितनी सारी functions, modulus function, greatest integer function, signum function, least integer function, ऐसी सारी functions को, rational function, irrational function, polynomials, इन सारी functions को हम बोलते हैं ये सारी अलजेब्रिक फंक्शन, और इनमें कंटिन्यूअस कौन कौन है, सारे पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है। मॉडुलस अगर आपने देखा होगा, मॉडुलस का ग्राफ ऐसे होता है, वी शेप्ड, याद है, तो क्या ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, क्या है, निशा पुंजा ब्रेक कसा, तो ऐसी फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। और जब बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें हमारा एक क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम वहीं पे पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होती है, पहले इसको सिखाएंगे फिर कंटिन्यूटी पे जाएंगे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ही है, ये करो इस तरह की डिस्कस। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन की, इनवर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लॉग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन की, ठीक। अब अलजेब्रिक फंक्शंस आपके पास दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन में सिंगल होगा और दूसरे क्वेश्चन में आपके पास ये ऐसे ब्रेक हुआ होगा डोमेन, या मत इंटरवल मस्ट डिवाइड कॉमन मस्ट इंटरवल। तो हमने आपको सिखाया, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3x+1 और आपने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 4 पे या नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 4 पे लिमिट निकालोगे तो कितना आया 13, फिर एफ ऑफ 4 निकालोगे कितना आया 13, अगर दोनों बराबर है लिमिट एग्जिस्ट भी होता और साथ साथ ये कंटिन्यूअस भी है, ठीक है बेटा। उस तरह क्या ग्राफ बनोगे, क्या सपोज ये इसका ग्राफ है, ठीक, 4 पे 13 है, 4 के लेफ्ट साइड में जो 4 माइनस एच है उस पे 13 तो नहीं है बट ये 13 को अप्रोच कर रहा है, 4 के राइट साइड में 4 प्लस एच जो है ये 13 को अप्रोच कर रहा है, इधर तो 13 उनका कॉमन वैल्यू होता है, गॉट इट, समझ आवा। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया, आप कैसे इसको इवैल्यूएट करोगे, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे आप, मैं कुछ जो वार कर वो कर बहुत चीज क्लियर थे इस रात इसी वन कि हम x 1 माइनस को भी 1 ही देते थे, ठीक, मगर तो उसके लिए बेसिक चीज पता माँ उसको पता कि पता उसको सुबह सुबह उसको पता। अब देखो बेटा बस आप क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना सीखो, कंटिन्यूटी तो बस वही है, सिर्फ लास्ट में लिखना है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, क्वेश्चन चीज थी ये लिमिट इवैल्यूएट इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2x-1 एंड एक्स स्क्वायर, इट इज x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1। अब यहां ध्यान रखना, कल नहीं बोलना कि हमें क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, देखो कंटिन्यूअस चेक करना है वो आपको पता है क्या करना है, अगर बराबर है तो कंटिन्यूअस है, अगर बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है, बट हम किसी पर्टिक्यूलर पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा शो दैट या चेक whether the function is continuous at
एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू टू, कितने पॉइंट्स पे चेक करना है? मेरी तरफ ध्यान रखना, ठीक है, गौर से देखना इस चीज को, कितने पॉइंट्स पे चेक करना है, वरना कितने पॉइंट्स है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, आप हर एक पॉइंट पे चेक नहीं करोगे, आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू टू, क्लियर? आपका पहला काम क्या होगा? आपको सबसे पहले करना है नंबर लाइन ड्रा करना है. क्या ड्रा करोगे? नंबर लाइन. यस सर. क्लियर? यस सर. नंबर लाइन पे आप इस पॉइंट को हाईलाइट करोगे, जो इंडिकेट, इसको बोलते हैं इंडिकेटेड पॉइंट. किस पॉइंट को हाईलाइट करोगे? इंडिकेटेड पॉइंट को. कौन सा इंडिकेटेड पॉइंट है? वन. तो इसको हाईलाइट करो, इसको लोकेट करो यहां. ये आपका पहला काम है. ज्यादा असल पर समझने खातर ये चीज बड़ी आसान है, और ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या किया? वन लोकेट किया. अब देखो, लेस देन वन, नॉट वन, लेस देन वन, जितने सारे पॉइंट्स हैं उनके लिए फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर. ग्रेटर और इक्वल टू वन, उनके लिए फंक्शन क्या है? टू एक्स माइनस वन. क्लियर? और तुम दावा समझ? पहला काम है आपका नंबर लाइन ड्रा करना, उस पर पॉइंट को लोकेट करना, फिर फंक्शन को दो हिस्सों में तकसीम करना, ठीक. इसके बाद अगर हम किस पे लिमिट निकालेंगे, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग निकालोगे कि कॉमन लिमिट निकालोगे. मेरी तरफ ध्यान. जीरो कहां पे है? जीरो तो यहां पे, सॉरी यहां पे, जीरो इज हियर, ठीक. अब जीरो पे लिमिट निकालना है. जीरो पे लिमिट निकालने का मतलब होता है जीरो पे वैल्यू नहीं निकालना है, जीरो के लेफ्ट और राइट में जो पॉइंट्स है उन पे वैल्यू निकालना है, ठीक. अच्छा, जीरो के जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है जीरो माइनस एच, वो तो यहां पे है, उस पॉइंट जीरो माइनस एच के लिए कौन सी फंक्शन है? जीरो प्लस एच के लिए कौन सी फंक्शन है? तो अगर दोनों के लिए सेम फंक्शन है, मेहरबानी कर बोझ असल, ठीक है. अगर दोनों के लिए फंक्शन सेम है तो आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग नहीं निकालो. क्या हम समझ आवा? तो आप क्या करोगे? एट वन पॉइंट, एट एक्स इज इक्वल जीरो, एट एक्स इज इक्वल जीरो, शून्य एक्स इज इक्वल जीरो, इस पर लिमिट निकालना होता है. तो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज, वहां पर लिखा होता है एट एक्स इज इक्वल वन, एट एक्स इज इक्वल फाइव, तो फाइव या वन इक्वल टू देख के आप कंफ्यूज नहीं होना. ये क्वेश्चन कह रहा है उस पर लिमिट निकालो,